वापस जोड़ने का काम किया। मित्रों, नागरिक संशोधन अधिनियम के बाद हिंदुस्तान में उन सब लोगों को एक बार पुनः जीवन दान मिला। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मित्रों, जम्मू कश्मीर की बात हम करते हैं, धारा 370 35 ए हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर श्रीनगर जाकर झंडा लगाने का कि इस देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होने चाहिए, भारत के अखंड भारत के निर्माण के लिए उन्होंने काम किया। और मित्रों, पंडित जी का वहां पर हमको पता ही नहीं पड़ा किन्हीं कारणों से पंडित जी को वहां पर पंडित जी की मौत हो गई। मित्रों, कांग्रेसी कहा करते थे कि एक बार 370 धारा हटाकर तो देखे, इस देश में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 56 इंच का कलेजा था कि उन्होंने केवल 2 घंटे में धारा 370 को हटाकर दिखाया, 35 ए को हटाकर दिखाया। अखंड भारत के निर्माण के लिए दौलत जगानी थी। मित्रों, हम सपना देखा करते थे जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे सामान्य हुए, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई गोली चली, ना कुछ झगड़े हुए, ऐसा कंट्रोलिंग और वास्तव में अद्भुत नजारा देखने लायक था। आप और हम सबने मिलकर देखा। हम वर्षों से 150 सालों से रामलला को 150 सालों से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था कि अयोध्या में उनकी जन्म स्थली अयोध्या श्री राम जहां पर जन्मे वहां पर एक भव्य मंदिर बने। बाबरी अयोध्या विवाद, हम लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को भी लोग ताने मारते थे, तुम्हारी वो पूजा की गई ईंटें कहां हैं? राम मंदिर के लिए जो तुम्हारा संघर्ष था वो कहां है? मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने वो सपना भी साकार करके दिखाया। हिंदुस्तान में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया और अब जनवरी में रामलला विराजेंगे। आप और हम सबके लिए गौरव का क्षण होगा कि हिंदुस्तान की जनता जहां श्री राम ने जन्म लिया अयोध्या में, वह रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और रामलला को विराजमान उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। मित्रों, मैं आप सबके समक्ष मेरी बात को समाप्त करूंगा, उससे पहले कहूंगा शंकर सिंह जी रावत को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेतृत्व ने टिकट देकर भेजा है, सिंबल देकर भेजा है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि पार्टी ने हमको दिया और हम पार्टी को भी दें। 25 तारीख का समय बिना किसी चूक के भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर 2 नंबर पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। राजस्थान में इस गूंगी बैरी अशोक गहलोत की सरकार मातृशक्ति के साथ में घिनौने काम करने वाली सरकार, माताओं बहनों के साथ में, छोटी छोटी बच्चों के सामने साथ में बलात्कार करने वाली सरकार,
भीलवाड़ा की घटना, छोटी सी बच्ची को ईंट के भट्टे में डाल दिया। मित्रों, राजस्थान के युवा का भविष्य अंधकार में करने वाली सरकार, 19 बार पेपर लीक करने वाली सरकार, गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार को आरएएस की परीक्षा में पूरे परिवार को लाभान्वित करने वाली सरकार, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमको लेना है, संकल्प लेकर यहां से जाना है। मित्रों, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामावतार जी लाठा, आपके जोशीले उद्बोधन में बहुत मजबूती थी और आपके जो जोशीले उद्बोधन ने यहाँ जो हमारी देव दुर्लभ सामान्य जनता जो यहाँ पधारी है, हमारे कार्यकर्ता बंधु जो पधारे हैं, निश्चित तौर पर आपने उनमें जोश भरने का काम किया है। आपका जोशीला उद्बोधन वास्तव में प्रेरणादायक रहा है और मैं अब अगली कड़ी में हमारे बीच में एक मातृशक्ति के बीच में उपस्थित है पंचायत समिति बदनौर की प्रधान साहब आदरणीय श्रीमती ऐश्वर्या जी रावत, आप आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ प्रदान करें। मैं आप सबके श्री चरणों में निवेदन कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहिबा का हेलीकॉप्टर हेलीपोर्ट पे उतरने वाला है और अगले 20 से 25 मिनट में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया हमारा मार्गदर्शन करने, इस विजय संकल्प सभा में हमारा मार्गदर्शन करने यहाँ पहुंचेंगे। आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें, आप अपनी जगह पे बैठे रहें। आप ये मान के चले जितनी जितनी संख्या में आप यहाँ हैं उससे 4 गुना ज्यादा संख्या में रोड शो के साथ में चल के आएगी। आप अपने स्थान से बने रहे, आप अपनी कुर्सी को थामे रहे। बहुत मैडम का यशस्वी मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। ऐश्वर्या जी रावत आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। सर्वप्रथम तो आप सभी जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो भारत माता की। जितनी संख्या यहाँ है पूरे ब्यावर शहर में आवाज गूंजनी चाहिए, बोलो भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की ब्यावर विधानसभा में विजय संकल्प आम सभा में मंच पर विराजित भारतीय जनता पार्टी के परम सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित मंच और सामने विराजित सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, सभी नारी शक्ति, सभी युवा भाई, सभी को प्रणाम, राम राम। हम सभी को व्यतीत है कि जिस प्रकार से चुनाव बिल्कुल नजदीक है और हम सभी को आने वाले समय में मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, हम सभी को ध्यान है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार, कुशासन वाली सरकार ने जिस प्रकार से जनता को परेशान किया है, हर एक नागरिक आज परेशान है। जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, हर एक प्रकार से हर एक वर्ग को जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने पीड़ित किया है, अब वो समय आ चुका है कि हम सभी को मिलकर उसका जवाब देना है। आज पिछले 5 साल पहले की बात करें तो जब चुनावों के वक्त राहुल गांधी जी यहाँ राजस्थान में आए और 1 से लेकर 10 तक की गिनती हम सभी को सिखाई, उन्होंने उस गिनती में वादा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते ही किसानों का लोन माफ होगा। आज इतनी जनता बैठी है, यहाँ कहीं किसान लोग बैठे होंगे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपका लोन माफ हुआ?
हुआ आपका लोन माफ? नहीं हुआ। केवल और केवल अगर किसानों के बारे में कोई सोच सकते हैं, कोई विचार कर सकते हैं, तो वो केवल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर एक किसान को किसान समृद्धि के तहत हर माह 2,000 रुपए का जो राशि देना शुरू किया है, उनसे कई किसानों को मदद मिली है। केवल यही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ भी गद्दारी की। पिछले 5 वर्षों में 19 बार पेपर लीक हो चुके हैं। आज बेरोजगारी राजस्थान में इतनी बढ़ चुकी है कि युवा परेशान होकर क्राइम क्राइम हो रहा है, और कहीं युवाओं ने मजबूरन कई बार आत्महत्या कर ली है। क्या ये हम सभी को सहन है? हमारे राजस्थान का भविष्य किस ओर जा रहा है? आज बात करें तो सबसे अगर पीड़ित कोई है तो हमारी मातृशक्ति है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कुशासन में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ जिस प्रकार आए दिन हम घटनाएं सुनते हैं, कभी फोन में, कभी टीवी में, कभी न्यूज़पेपर में, कि आज उस 2 साल की बच्ची के साथ ये घटना हो गई, आज उस 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, आज उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, क्या हमारी आत्मा काफी नहीं है? हमारी बहन बेटे इतनी असुरक्षित इस प्रदेश में है, जो पन्ना पेड़ पद्मावती की धरती है, जहाँ सत्यारणिया अपने आत्मसम्मान के लिए जोहर कर चुकी है, क्या हम सभी को इतना दुख होता है कि हमारी मातृशक्ति के साथ इतना बड़ा अत्याचार आए दिन होता है? यही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने जितनी असफलता कानून रहा है, प्रशासन की व्यवस्था रही है, ये हम सभी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। जिस प्रकार प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने, अगर हम उनके मंत्रियों से अगर पूछा जाता है कि आए दिन इस राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो आप क्या कहेंगे? तो वो ये कहते हैं कि प्रदेश राजस्थान प्रदेश तो मर्दों का देश है। हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी मातृशक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई यहाँ सुरक्षा के लिए व्यायाम नहीं है। यही नहीं, जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनको राजस्थान की सरकार ने खुली छूट दे रखी है। आए दिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा तक हो जाता है कि हमारी माताओं बहनों की थाने तक में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अगर बात करें हमारे नारी शक्ति के मान सम्मान की, तो वो केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही हैं जिन्होंने नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी योजनाएं बनाई। चाहे जन्म लेने वाली बच्ची हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, हर एक वर्ग की महिलाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई है। चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए इतनी योजनाएं बनाई है। और यही नहीं, अभी हाल ही में जब नए संसद का उद्घाटन हुआ, उसके अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को एक नई सौगात दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण देने का हान किया प्रधानमंत्री जी ने। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने ये काम नहीं किया, और ये काम किया है तो हमारे सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। तो मैं यहाँ बैठी नारी शक्ति से भी कहना चाहूंगी कि भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार का पूरा 50% से भी अधिक आपका दायित्व तो बनता है कि सरकार को लाना गिराने का काम आपका है। और तो और यही नहीं, हमको इतना गौरवान्वित होता है कि हम राजस्थान प्रदेश के नागरिक हैं, हम इतने हमारे सनातन धर्म पर इतना गर्व करते हैं, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार में पिछले 5 सालों में हमारे सनातन धर्म को जितनी ठेस पहुंचाई है, वो किसी सरकार नहीं कर सकती। इस सरकार को जवाब देने का वक्त आ चुका है। अगर हम सच्चे
हिंदुत्व सनातनी धर्म के व्यक्ति हैं और जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में हमारे तीज त्योहार कुछ भी हो, हमें पता नहीं है कि आज हम ये त्योहार मनाएंगे, आज हम रामनवमी की रैली निकालेंगे तो यहाँ कोई भी आतंकी हमला हो सकता है, कोई भी धरना हो सकता है, कोई भी विवाद हो सकता है, लेकिन इस सरकार ने किसी प्रकार की कोई हम सभी को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, हमारा कोई भी आपसी मतभेद हो सकता है लेकिन राष्ट्र हित के लिए केवल और केवल हमारे लिए कमल ही आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, आने वाली 25 तारीख को आप सभी को अधिक से अधिक बहुमत के साथ हमारे ब्यावर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय शंकर सिंह जी रावत को विजय दिलाकर आने वाले 25 तारीख को हमारे सभी को संकल्प लेते हुए कि हमारा निर्णय कमल होगा और आने वाली 3 तारीख का परिणाम कमल होगा और इसी संकल्प के साथ आप सभी यहां से संकल्प लेके जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक साथ मुट्ठी बांध करके संकल्प लेते हुए बीजेपी जिंदाबाद आवाज पूरे ब्यावर शहर में आनी चाहिए, बीजेपी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोशीला उद्बोधन बहन ऐश्वर्या जी ने यहाँ प्रस्तुत किया और वास्तव में नारी शक्ति से जुड़े हुए विषय पर आपने बहुत मजबूती से आपने पक्ष रखा और मैं समझता हूँ कि आप मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में इस विजय संकल्प सभा में पहुंची है और आपका दायित्व तो बनता है। इस हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पूरे देश की सभी तरह की जनप्रतिनिधियों की पंचायत में महिलाओं को 33% भागीदारी सुनिश्चित की है, यानी कि अब हर जगह 100 में से 33% महिलाएं होगी तो निश्चित तौर पर देश की संसद में भी 200 से 300 नई सांसद होनी है, विधानसभाओं में भी कम से कम जितनी संख्या उसके 33% के हिसाब से संख्या होनी है। तो अब निश्चित तौर पर महिला शक्ति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश और इस राज्य की दशा को सुधारने के लिए बहुत मजबूती से काम करने वाली है। इसलिए हमें आने वाली 25 तारीख को ईवीएम मशीन के बटन नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई शंकर सिंह जी रावत का कमल का निशान है, उसी के सामने आपको बटन दबाकर भारी मतों से भाई शंकर सिंह जी रावत को विजयी बनाना है। मैं अब अगली उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे बीच में नगर परिषद ब्यावर के उपसभापति भाई ऋषभ चंद जी खटोड़ उपस्थित है। मैं आने वाले वक्ताओं से मेरा सादर और करबद्ध अनुरोध है कि अपनी बात को माननीय वसुंधरा जी हमारे बीच में मात्र 20 मिनट में पहुंचेगी, अपनी बात को संक्षिप्त और मजबूती से रखें, खास खास विषय को रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे सामान्य सदस्यों का उद्बोधन सुन सके। आदरणीय ऋषभ चंद जी खटोड़ पधारे और अपनी बात को रखें। आज की इस विशाल जनसमूह में पधारे हुए हमारे जम्मू कश्मीर के विधायक महोदय, पूर्व मंडल महामंत्री रमेश जी बंसल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई राम अवतार जी लाटा, भाई ब्यावर विधानसभा के संयोजक भाई टीकम सिंह जी चौहान, भाई संदीप जी मेरी बहन, सभी ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से पधारी हुई जनता, आज ये जो सभा है चुनावी सभा है विजय संकल्प के लिए, बंधुओं आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का निशान सिर्फ एंड सिर्फ कमल का फूल है, उसका बटन दबा के भाई शंकर सिंह जी रावत को 34 दफे विधानसभा में भेजना है। और आप सभी को भली भांति मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ क्या किया,
जनता के साथ छलावा किया, जनता को गलत वादे करके और बहलाया फुसलाया, और कांग्रेस सरकार के अशोक जी गहलोत ने जिस तरह के महिलाओं को लुभावने के लिए टेलीफोन बांटे थे, वो टेलीफोन मात्र 2000 रुपए के थे लेकिन उन्होंने 6000 रुपए में लिया। कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलित महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए, इतने जुल्म हुए, जो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की हत्या हुई, उसकी हत्या के बाद राजस्थान की सरकार ने कन्हैयालाल को 5 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की लेकिन वो 5 लाख रुपए भी नहीं मिले। अभी कुछ ही समय पहले जयपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हो गई, कांग्रेस सरकार ने उसको तुरंत 50 लाख रुपए दिए। ये हिंदुओं के साथ पड़ा उसने छलावा किया। बंधुओं, जाति में नहीं आए, पार्टी में नहीं आए, और जिस तरह का माहौल चल रहा है उसी के तहत आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। कांग्रेस सरकार ने जितने भी झूठे वादे किए वो बिल्कुल गलत साबित हुए। महिलाओं को जिस तरह से पराजित किया जा रहा है, किसानों को जिस तरह से दुखी किया जा रहा है, न किसानों का लोन माफ हुआ न कुछ माफ हुआ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों को जरूर राहत दी है, बाकी कांग्रेस सरकार ने किसी भी तरह की राहत नहीं दी है। मैं आपसे समय कम होने की वजह से कम ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे सभी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप जब वोट देने जाएं तो आपको सिरा पर सिरा यही दिखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल का फूल, कमल के फूल का बटन दबा के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई शंकर सिंह जी रावत को विजय बनाए, और जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी जो भाग दौड़ कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने गलती से निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट दे दिया तो आपका वोट बेकार जाएगा, फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। 5 साल नहीं पछताएं, और आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए अपने को भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई शंकर जी खटोक, उपसभापति नगर परिषद ब्यावर। और इसी कड़ी में मैं ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हमारे मध्य पृथ्वीराज मंडल के अध्यक्ष भाई कान्हाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। भाई कान्हाराम जी, मंडल अध्यक्ष पृथ्वीराज मंडल। वार्ड नंबर 50 से हमारे बीच में बड़ी संख्या में नारी शक्ति पहुंची है, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप जो कुर्सियां खाली पड़ी आगे पधारे माताएं बहने, आगे आ जाएं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी ने तो आरक्षण दिया है, वो भी अगले साल लागू होगा, हमारे यहाँ तो पहले से ही लागू हो गया। देखो मातृशक्ति की जनसंख्या। बहुत बहुत धन्यवाद है इस विजय संकल्प सभा में पधारने के निमित्त। हाँ, और यहाँ भी माननीय बंसल साहब बता रहे हैं कि यहाँ जो 3 खाने बने हुए हैं उनमें भी 33% महिलाओं का खाना रिजर्व है। ये 3 खाने उसमें से तीसरा हिस्सा महिलाओं का है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता है बड़ी मजबूती से भाई बबलू चौहान और अशोक जी भाटी और इनके नेतृत्व में यहाँ पहुंचे हैं, स्वागत और अभिनंदन। और आपका मार्गदर्शन करेंगे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और अध्यक्ष जी आदरणीय कान्हाराम जी गुजर सर। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। आज की सभा में मौजूद
जम्मू कश्मीर से पधारे हुए विधायक महोदय आदरणीय नीलम जी या विराजमान, नगर परिषद ब्यावर में उपसभापति भाई साहब ऋषभ जी कठोर या विराजमान मेरे साथी रामावतार जी लाटा, पद्दौर जी प्रधान साहिबा या विराजमान बाहर से पधारे हुए मेहमान बंधु जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, और या विराजमान सभी मेरे जिला परिषद के साथीगण, पंचायत समिति के सदस्यगण और मेरे सरपंच साथीगण, और यहाँ विराजमान सभी माताओं बहनों और युवा साथियों, प्रिय बंधुओं, आज की सभा में मुझे बोलने के लिए मंच ने या मुझे बोलने की जो आज्ञा दी उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मैं इस तरीके से आपका निर्देश मिला है कि आपकी बात को संक्षिप्त में और शॉर्ट में कहने के प्रयास करूँगा। प्रिय बंधुओं, मेरा निवेदन आपसे है कि मैंने परसों का अखबार देखा था, उसमें कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटियां लिखी है। 7 गारंटियों में उन्होंने सबसे पहले लिखा है ओपीएस उन्हें लागू करेंगे। प्रिय बंधुओं, मैं पूछना चाह रहा हूं गहलोत साहब से कि ये ओपीएस तो पहले से ही लागू थी, आपने 2004 में इस ओपीएस को बंद कर दिया और जो कर्मचारी बंधु है उसको आप सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपने 2 साल पहले जो अपने बजट की घोषणा की थी उसमें भी आपने जिक्र किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। आपने 2 साल का 3 साल का आपके पास समय था, आप इसको वापस इस घोषणा पत्र में क्यों ले रहे हो? आपको ओपीएस लागू कर देनी थी। प्रिय बंधु, उन्होंने लिखा है कि हम उज्ज्वला में 500 रुपये की गारंटी देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मेरा निवेदन है कि आज से पहले 4 साल पहले 3 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की थी कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन, उसमें मुझे जहाँ तक मिली थी उस समय मैं भी सरपंच था, तो उस समय में कोई भी गाँव ऐसा नहीं छूटा, घर ऐसा नहीं छूटा जिसमें उज्ज्वला से लोग लाभान्वित नहीं हुए। ये नई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले से ही लागू कर दी गई, उनका रूप बदल कर गहलोत साहब सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मेरा निवेदन है कि गहलोत साहब कितना भेदभाव करते हैं, श्रम का, जाति का आपको पता होगा। मोदी जी द्वारा संसद में कानून लाया गया था, नागरिकता संशोधन कानून NRC CAA, उसमें क्या था? उसमें यह था कि हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान में नागरिकता ग्रहण करना चाहेंगे, जो भी बंधु जो बाहर से पीड़ित है, जिनका धर्म हिंदू सिख ईसाई पारसी और बौद्ध धर्म है, और उन लोगों को हिंदुस्तान में नागरिकता देने का प्रावधान था, तो उस कानून का सबसे पहले खिलाफत की तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने की, और उसका यह रिजल्ट हुआ कि वो कानून आज दिन तक संसद और राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, और उसका फायदा है चाहे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, उनको नहीं मिल पाया। मैं जो आज किसान सम्मान निधि लागू की है उससे हर किसान बंधु को साल में 2000 की 3 किस्त मिल रही है, और उसको बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि जो 6000 रुपये मिल रहे हैं, 6000 की जब लगे अब आपको 12000 रुपये मिलने लगेंगे। मेरा निवेदन तो है विशेष तौर से किसान बंधुओं से कि अपने लिए आज 6000 रुपये जो सालाना मिल रहे हैं वही एक बड़ी काम की चीज है, और जब हमको सालाना 12000 रुपये मतलब 1 महीने का 1000 रुपये किसान सम्मान निधि में मिलेगा तो अपने को कितनी खुशी होगी। उसमें आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि मेरे परिवार में हम 4 किसान हैं, 4 को किसान सम्मान निधि मिल रही है आज, मेरे 2 पुत्रों को मिल रही, मेरी पत्नी को मिल रही है और मेरे को स्वयं को मिल रही है। तो बंधो, मेरा निवेदन है कि एक घर में 12000 रुपये सालाना
मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। तो मेरा निवेदन आप सभी किसान बंधुओं से है कि इस चीज को विशेष तौर से अपने दिमाग में नोट कर ले, क्योंकि अपने को जो किसान सम्मान निधि के अभी तक 6000 रुपए मिल रहे थे वो आने वाले समय में 12000 होने वाले हैं, और 12000 तब होंगे जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आएंगे और हमारे शंकर सिंह जी को विधायक बनाएंगे। तभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किसानों के लिए जो वादे किए गए वो पूरे होंगे। मेरा निवेदन है कांग्रेस सरकार ने जितने भी वादे पहले किए थे ये झूठे वादे करती है, किसी भी वादों को पूरा नहीं करती है। तो मेरा निवेदन बंधुओं कि इस कांग्रेस सरकार और गहलोत साहब का विश्वास न करें, ये झूठे वादे करते हैं। महंगाई राहत के नाम पर ऐसी भयंकर गर्मी जून और मई के महीने में लोगों को ठगा गया और लोगों की लाइनें लगा दी पंचायत भवनों की तरफ, सरकारी कार्यालयों की तरफ कैंप लगा लगा के। लेकिन मेरा निवेदन आपसे कि एक भी बंधु को इस महंगाई राहत शिविर से कोई फायदा नहीं मिला। गहलोत साहब और कांग्रेस सरकार सिर्फ जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को गुमराह करने का काम करती है। इस सरकार को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को कमल पर बटन दबाकर विजयी बनावे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावे, और जो वादे किए गए हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करते। आपके 100% जितने भी वादे करती है वो पूरे करवाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, आप लोगों के लिए बहुत सतत सूचना है कि राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ब्यावर की कॉलेज में लैंड कर चुका है। एक बार जोरदार ताली बजा के ये तालियों की गड़गड़ाहट अगर कॉलेज तक पहुंच जाए तो मैं समझता हूं वसुंधरा राजे जिंदाबाद। आवाज ही नहीं, थोड़ा जोर लगा के मुट्ठी तान कर वसुंधरा राजे जिंदाबाद। बोलो भारत माता की। आवाज में मातृशक्ति की जोरदार आ रही है। मेरे भाई लोग कहते सन्नाटा कैसे खींच के, जोरदार से एक बार मुट्ठी तान के बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। देखो बंधुओं, मैडम आ गई है और चांद गेट से उनका रोड शो प्रारंभ हो चुका है। अपनी जैसे अपन विमान में बैठते हैं जब कहते हैं ना अपनी कुर्सी से चिपके रहिए और अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, और आप अपनी सीट का बेल्ट बांध लो, कुर्सी से हिलना नहीं है। आप जितने लोग बैठे उससे 4 गुना लोग मैडम के साथ जलसे में आ रहे हैं, तो आप लोगों का ये उत्साह देखते ही ये आज ही तय हो जाएगा कि शंकर सिंह रावत कम से कम 50,000 वोटों से जीतने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मेरी बात का समर्थन करें। मैं उद्बोधन की कड़ी में आने वाले वक्ताओं का, चूंकि मैडम ब्यावर की धन्य धरा पर उतर चुकी है, उनका यहाँ पर पदार्पण हो चुका है, आने वाले वक्ता समय का विषय ध्यान रखें, 5-5 मिनट में अपने उद्बोधन को कंक्लूड करें। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे युवा मोर्चे के अरावल दस्ते के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई रविंदर जी जॉय के सम्मानित सुपुत्र भाई संदीप जी जॉय हमारे बीच आए हैं। आप युवा और जोशीले वक्ता हैं, आके अपनी बात को रखें भाई संदीप जी जॉय। हाँ, एक नई पोस्ट है प्रदेश कार्यकारिणी के, आप प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा के सदस्य हैं आप भाई संदीप जी जॉय, आपका स्वागत और उद्बोधन करें। भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम पदाधिकारीगण, मेरे सहयोगी और सामने विराजमान देवतुल्य कार्यकर्ता और यहां उपस्थित किसान, आज हम सब लोग यहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को सुनने आए हैं। वसुंधरा जी आपको विस्तार से बताएंगी इस कुपोषित सरकार, कांग्रेस सरकार ने क्या कुकर्म किए हैं पूरे 5 सालों में। मैं आपको कुछ बातें बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं माताओं से शुरुआत करता हूं कि आज मातृशक्ति की अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने की है। जब उनके आंख से चूल्हा जलाते हुए
आंसू आते थे तो किसी नेता ने इस चीज के बारे में नहीं सोचा, मगर माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने इस विषय की ओर ध्यान दिया और आपको उज्ज्वला गैस रूपी एक वस्तु देकर उन्होंने आज मातृशक्ति के जो आंख से आंसू बहे उस आंसू को पोंछने का काम किया। और इस राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार ने जो 5 साल के अंदर युवाओं को, किसानों को और पिछड़ों को, दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो कुठाराघात किया है, वह कुठाराघात मैं कह रहा हूं, अब ये किसान दलित पिछड़ित शोषित लोग नहीं सहेंगे और इस कांग्रेस सरकार को परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। इस रूप के अंदर आज ये जनसभा यहाँ आयोजित हुई और आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए, यहाँ किसान नेता भी बैठे हैं। कांग्रेस सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था जब सरकार बनी थी, उस समय कहा था 10 तक की गिनती गिनने पर किसानों का कर्जा माफ होगा। आप में से किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? या किसान बैठे हैं, इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से किसानों के साथ छलावा किया है, इसी तरह इस राजस्थान के युवाओं के साथ भी छलावा किया है। आज युवा मेहनत कर इतनी एक दिन रात एक कर पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम देता है, मगर इस सोई हुई सरकार को ये तक पता नहीं पड़ता कि इनकी अलमारी में से कब कौन आकर पेपर ले जाकर उसको लीक कर देता है। इस कांग्रेस सरकार को ये भी पता नहीं पड़ता है इन्हीं के पास से पेपर ले जाकर वो लाखों करोड़ों रुपए में बेच देते हैं और इस युवा शक्ति के साथ धोखा करते हैं और पेपर आउट हो जाता है। और उस जिसने दिन रात मेहनत कर एग्जाम दिया था, जो परीक्षा दी थी, वो निरस्त हो जाती है, उसको पुनः उस परीक्षा को देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह की सरकार को हमें बदलना है मित्रों। आज यहाँ युवा शक्ति आई है, युवा शक्ति से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से 9 बार इस राजस्थान के अंदर इस भेरी गुंगी सरकार के द्वारा पेपर लीक का जो धंधा हुआ है, उस धंधे में हमें अपना वोट के माध्यम से इसको सबक सिखाना है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। सम्मानित बंधुओं, मैडम हमारे बीच में पाली बाजार में पहुंच गई है और आपके इंतजार की घड़ियां शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। मैं हमारे बीच में हमारे ब्यावर विधानसभा के प्रभारी के रूप में जम्मू कश्मीर के जोशीले विधायक आदरणीय नीलम जी लिंगे हमारे बीच में पिछले 10 दिनों से सारे कार्यकर्ताओं और सारे संगठन और सारे मजबूती से एक एक वार्ड वार्ड गली गली में घूम के राष्ट्रीय स्तर से हमारे बीच में आए हैं। भाई नीलम जी बहुत जोशीले वक्ता हैं और आपको आप देखो वहाँ गोली बारूद के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाले हमारे यशस्वी युवा विधायक भाई नीलम जी हमारे बीच आए और अपनी बात को रखे। आदरणीय नीलम जी, मैं मेरे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो मंच पर हैं, जो अपेक्षित हैं, वही मंच पर हैं और हमारे बीच में अब कार्यक्रम का डेकोरम होने वाला है। इतनी देर पहले तो सब कुछ जो चल रहा था वो सब ठीक है, अब मंच की अपनी व्यवस्थाएं हैं और मैडम का अपना प्रोटोकॉल है, उसके अनुरूप ही आप मंच पर हैं। बाकी कार्यकर्ता अपने साइड में जो आपके लिए सुंदर और सुसज्जित व्यवस्थाएं की गई है, आप उस पर विराज जाएं। आपको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये बात कहते हुए नीलम जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के विधायक महोदय, भारत माता की। आज यहाँ के इस सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान जनाब अरविंद यादव साहब, जो कि ऑनरेबल चेयरमैन है हरियाणा टूरिज्म के, उनके साथ में विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल फार्मर एमएल मिनिस्टर चौधरी सुखनंदन जी, और यहाँ पे मंच पे विराजमान हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, मंडलों के अध्यक्ष, सभी मोर्चाओं के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति और जितने भी इस बड़ी भीड़ में यहाँ पे आए हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जितने भी हमारे साथी हैं, सबको मेरी ओर से और पूरे प्रांत जम्मू कश्मीर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव का बिगल बजा है, आज इस ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर माननीय वसुंधरा राजे जी कुछ ही क्षणों में यहां पे पधार रही है। उनके स्वागत में इतनी जोरदार भीड़, मातृशक्ति और जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहां पे उपस्थित है, मैं आप सबको आने वाले जो 25 तारीख को राजस्थान के विधानसभा के चुनाव का बिगल जो बजा है, साथियों इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए ये भीड़ दर्शाती है कि आने वाले 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के सामने वाला बटन दबाकर आप भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ताली तो बजेंगे चाहिए मेरे साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं इस घड़ियाल सरकार की, कांग्रेस की सरकार की बात करूं, तो मैं जम्मू कश्मीर की तरफ आपका ध्यान देना चाहूंगा कि ये वही कांग्रेस की सरकार जिन्होंने अन्य दलों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में 70 साल राज किया और जम्मू कश्मीर में सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए उग्रवाद और अलकाबाद का शिकार बनाया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के भी या अन्य प्रांतों के भी जितने लोग हमारे जम्मू कश्मीर में जो सैनिक भाई जो वहां पे सर्विस करते हैं, साथियों उस टाइम जब इन लोगों की हुकूमत जम्मू कश्मीर में थी, हमारे सैनिक भाइयों पे पथराव किए जाते थे। लेकिन बधाई देना चाहूंगा मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, जिनने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A जैसे कलंक को जम्मू कश्मीर से हटा के भर फेंका। साथियों, माता बंधु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की उस टाइम क्या हालात थी। हमारे जितने भी हिंदू भाई थे साथियों, अलगाबाद के द्वारा, मिल्टनसी के द्वारा, पाकिस्तान से भेजे गए उग्रवाद के द्वारा, उस टाइम जैसे लकड़ को साथियों आरे से चीरते हैं, ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को आरे से चीर दिया जाता। क्या ऐसी आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चाहते हो? लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से एक कलंक हटाया, तो साथियों आज हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग सर्विस करते हैं, हमारे सैनिक भाई सर्विस करते हैं, साथियों उनका सम्मान होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, पहले जम्मू कश्मीर में टेररिज्म था, लेकिन आर्टिकल 370-35A बदले घटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में टेररिज्म नहीं साथियों, आज जम्मू कश्मीर में टूरिज्म है। आप लोग भी यहां राजस्थान से जम्मू कश्मीर में जाते थे महामैया के चरणों में, माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए, चाहे बाबा अमरनाथ स्वामी जी के हाजिरी लगाने जाते थे। पहले और आज में आपने कितना अंतर देखा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं आपको कहूंगा कि आर्टिकल 370-35A हटने के बाद हम भी आजाद हुए हैं जम्मू कश्मीर के लोग, ऐसे तो देश को आजाद हुए 1947 से लेकर कितने साल हो गए, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इनकी गुलामी की जंजीरों में ही बंधे हुए थे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आपके लोकल प्रत्याशी, आपके दिलों की धड़कन और चौथी बार आप लोगों ने जो
माननीय शंकर सिंह रावत जी को भारी मतों से जिताकर आप विधानसभा में भेजोगे, जयपुर में जाके वो आपकी नुमाइंदगी करेगा। साथियों, अगर मैं उस शंकर सिंह रावत की बात करूं तो आप लोग वो जानते हैं, आपके सुख दुख के साथी शंकर सिंह। साथियों, जब ब्यावर में जल नहीं था, जब ब्यावर में जिला नहीं था, तो माननीय शंकर सिंह रावत जी ने जल और जिला के लिए ब्यावर विधानसभा से लेकर रात अपने राजस्थान की जयपुर, जहां हमारी विधानसभा लगती है, वहां तक पद यात्रा की है ना। साथियों, ब्यावर के जल और जिला के लिए माननीय शंकर सिंह रावत ने 4 दिन अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल की थी। साथियों, 11 दिन प्रदर्शन किए, 12 दिन प्रदर्शन किए, उसके बाद यहां पे जल भी बिसलपुर का पहुंचा, गांव गांव धानी धानी में विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर सिंह रावत ने किया है। साथियों, ये कांग्रेस की निकम्मी सरकार, ये तो कोई स्कीम नहीं बनाती, अगर बनाती भी है तो कांग्रेस की निकम्मी सरकार, ये गलियों की सरकार, इसमें कूट कूट कर बेईमानी भरी हुई है। मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा कि लोन मुक्त करने की बात करी थी यहाँ पर, जब राहुल बाबा जी पहली बार आए थे यहाँ पर पिछले चुनाव में, किसी का लोन मुक्त नहीं हुआ, उतना कि ब्याज चढ़ के इंटरेस्ट चढ़ के दूने से तिगड़ा आपका लोन हो गया है, क्या ऐसी गलियों सरकार आप यहाँ बनाना चाहोगे? नहीं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद के लिए रामलला के जब भूमि पूजन हो रही थी, आप लोग जानते हैं हम उस दिन को कैसे भूल सकते हैं, वो 20 अगस्त का दिन जब भूमि पूजन होने लगा अगस्त के महीने में, तो उस टाइम कांग्रेस के जितने भी सांसद थे राहुल गांधी को लेकर, बाकी जितने भी उनके साथी सांसद थे, साथियों रामलला की भूमि पूजन चल रहा था और वो कांग्रेस के साथी ब्लैक ड्रेस डाल के सांसद में आए थे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, मैं एक दो घोष लगाऊंगा, उसका जवाब जोर से आना चाहिए। बोले भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके जोर का घोष लगाएंगे, बोले भारत जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जम्मू कश्मीर। हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का ब्यावर पदार्पण हो चुका है और चांगेर से रोड शो भारी भीड़ के साथ प्रारंभ हो चुका है, जगह जगह पुष्पगुच्छ से और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत हो रहा है। वह आप सभी के मध्य शीघ्र ही पधार रही है। मैं हमारे माननीय कंवर साहब से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था के संबंध में निर्देश दें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पाली बाजार में पहुंच चुके हैं, हमारे बीच में शीघ्र आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि वो पीछे जो मातृशक्ति बैठी है पहली वाली लाइन में, ये आगे की तरफ आ जाएं ताकि पीछे जो पुरुष लोग खड़े हैं वो आपकी पीछे वाली रो में बैठ जाएंगे। एक बार थोड़ा सा कार्यकर्ता व्यवस्था प्रदान करें कि पीछे से जो महिला है ये आगे आ जाएं, ये आगे वाली कुर्सियों को भर दे ताकि पीछे पुरुष लोग बैठ जाएंगे। मैडम हमारे बीच पहुंचनी है, अब मुश्किल से 10 मिनट में हमारे मध्य वसुंधरा जी आने वाले हैं। मैं थोड़ी सी व्यवस्था मंच की एक बार आपको बता दूं कि हमारे बीच में लगी हुई, चलो ठीक। अब हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुखनंदन जी हमारे बीच में उपस्थित है, आप आए और हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें।
संक्षिप्त में अपनी बात को रखे हैं क्योंकि मैडम हमारे बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। आदरणीय सुखनंदन जी, आप देखो हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार और समर्थन में आपसे वोट की अपील करने आए हैं। आदरणीय सुखनंदन जी, सम्मानित मंच, मैं जम्मू कश्मीर से आप सबका धन्यवाद करने आया हूं। मैं वहां से दो बार का विधायक हूं, जब एक बार सरकार बनी थी तो मैं उसमें कैबिनेट मंत्री बना था और मेरी जम्मू वासियों ने मेरे एक ट्यूटे लगाई कि भाई राजस्थान जाओ और उन्हें सुनाओ कि हम कब आजाद हैं। मैं अपने माताओं बहनों भाइयों से बुजुर्गों से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग तो 1947 में आजाद हुए, हमें 5 अगस्त 2019 में आजादी मिली और वो आजादी हम मुझे हमें दिलाने वाले कौन थे? वो सब आप लोग, आप लोगों की वोटों की खातर दिल्ली के अंदर एक मजबूत सरकार बनी जिसमें नरेंद्र जी मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमें 5 अगस्त 2019 में हमें आजादी मिली। हमें दबा 370 पेन चाहिए, उससे पहले हमें वहां पे परमिट बनवा के आना पड़ता था, कहीं हमें अपने बुजुर्गों की अस्थियां लेके हरिद्वार में जाना था तो हमें परमिट लेके जाना पड़ता था। भला करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ना हमारे से कोई रिश्ता है ना जम्मू से को लेना, वेस्ट बंगाल से उड़ के वो आए, वो नेहरू जी की गवर्नमेंट में एजुकेशन मंत्री थे, वहीं से रिजाइन करके वो आए और उन्होंने हमें परमिट सिस्टम से मुक्त करवाया और उसके बाद जो हमें आजादी दी वो आप लोगों की बदौलत। इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की बदौलत एक मजबूत सरकार बनी जिससे हमें 5 अगस्त 2019 को हमें आजादी मिली। क्या क्या नहीं हमारे साथ नाइंसाफियां हुई, जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो रहा था उस समय हमारा पीओजीके का जो हिस्सा जो आज जिसे पाक अक्कोबाई कश्मीर कहते हैं वो हिस्सा कबायलियों ने हमने ने उस समय हमारा ले गए। अगर उस समय इस नेहरू की गवर्नमेंट ने इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अगर सही समय के ऊपर हमें फौजें दी होती तो वो आज ऐसा हमारे साथ होता ताकि पाकिस्तान के पास। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक अपील एक प्रार्थना करने आया हूं जम्मू कश्मीर से उठ के मोदी जी के हाथ मजबूत कर। जैसे आप लोगों ने हमें आजादी दिलाने में मोदी जी के हाथ मजबूत किए, आज सिर्फ एक सेमीफाइनल आज राजस्थान की जो इलेक्शन है इलेक्शन विधानसभा का, इसके बाद मई महीने में इसका फाइनल आने वाला है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग एक एक वोट देके शंकर जी को विधानसभा में पहुंचाएंगे और मई महीने में एक मजबूत सरकार नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में लाएंगे। मुझे ये कहना है आपसे कि कई लोग जो सोच रहे हैं कि शंकर जी जीते हैं, भाई जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोगों को पूरा ख्याल रखना पूरा इलाका करना। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि लोग ये सोचते हैं कोई बात नहीं यार इतने जीते हैं, पर एक वोट की कितनी कीमत होती है, आपको एक एक वोट शंकर जी के भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाना एक एक वोट। और मेरी अपने नौजवान साथियों बुजुर्गों से एक अपील है कि उस दिन कोई भी बुजुर्ग कोई माता हमारी बुजुर्ग माता घर में नहीं रहनी चाहिए, सुबह सवेरे उनके वोट 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पर पटन को दुआ के देना है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आपको पता है कि एक वोट की कितनी कीमत होती है, जब हमारे अटल जी की गवर्नमेंट थी तो एक वोट की खातर हमारी अटल जी की सरकार गिरी थी और वो वोट किसका था, वो सैफुद्दीन सोच कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट था वहां से हिंदुस्तान से, उस वोट की खातर अटल जी की सरकार गिरी जो लाखों रुपए हमारी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होने से वो उसकी द्वारा इलेक्शन के ऊपर खर्च, यानी एक वोट की भी ताकत है। आज हमें उस सैफुद्दीन के सोच के उस वोट का भी फिर एक उनका हिसाब लेना है। लाख लोगों से विनती है कि आप एक एक वोट शंकर जी के हाथ में डाल के मोदी जी के हाथ मजबूत करें और दिल्ली के अंदर एक मजबूत सरकार बनाए। मैं परसों शंकर जी के साथ था, बाकी जगह मैंने सुना वो अपने छोटे बड़े गिले शिकवे, भाई अपने छोटे गलियां नालियां ये पानी के बसे छोटे बड़े चीजें होती रहेगी, लेकिन जब अगर सरकार मजबूत होगी दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान बचेगा तो हमारे डेवलपमेंट काम भी सारे होते रहेंगे।
तो मेरी आप लोगों से फिर एक प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के अपने लोगों की तरफ से, कितने अत्याचार हुए हमारे, एक बार 47 में हमारे साथ अत्याचार हुए, दूसरे अत्याचार जो अब पिछले जो मिलिटेंसी का दौर रहा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी माताओं बहनों को घरों से उठा के लेके जा रहा और एक एक लाइन में खड़े करके गोलियों की बिछारे करके एक एक लाइन में खड़े करके 20-25 लोगों को मार दिया। तो इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ और लोगों की तरफ से अभी जम्मू निवासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की बदौलत हम लोग आज मजबूत हैं। आज हमारी फौजों को, आज हमारे जवानों को, यानी राजस्थान के कई नौजवान फौज के अंदर जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए शहीदी दी उग्रवाद के लिए, आज उन्हें कोई फायरिंग का ऑर्डर करने, ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती है। कल ही देखा होगा आपने 7 मिनट मारे गए, पहले उनको कभी भी गोली चलाने का कोई हक नहीं था। वो कहा जाता था कि इनको जिंदा पकड़ो, आगे से गोलियां चल रही है और कहा जाता है कि इनको जिंदा पकड़ो, और आज वो चीज नहीं है। वो किसकी बदौलत? सब आप लोगों की बदौलत। मोदी जी की अगर ताकत बनी तो आपके वोटों से बनी। तो मैं फिर आपसे अपील करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक एक वोट देके 25 तारीख को शंकर जी को जिताना, शंकर जी को जिताना, और उसके बाद नई महीने जो दिल्ली की इलेक्शन आ रही है, मोदी जी को मजबूत सरकार प्रदान कर रही है। इसलिए कह के मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय। हाँ, जम्मू कश्मीर के सम्मानित पूर्व मंत्री महोदय आदरणीय सुखनंदन जी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और मैडम भारत माता सर्किल क्रॉस कर चुके हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो कार्यकर्ता वास्तव में अपेक्षित है वह मंच पर रहें, बाकी नीचे अपनी व्यवस्थाओं को संभालें, और पीछे जो थोड़ी कुर्सियां इधर वो माताएं बहनें खड़ी है वो इधर कुर्सियों पर बैठ जाएं, वो थोड़ा सा बैठ जाएं। मैं निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर अरविंद जी यादव जो हरियाणा टूरिज्म डेवलपमेंट के सम्मानित चेयरमैन साहब है, और अजमेर जिला देहात के सम्मानित प्रभारी चुनाव के प्रभारी महोदय हैं, मैं जवाजा पंचायत समिति के प्रधान भाई गणपत सिंह जी रावत, सभापति नरेश जी कनौजिया, उप प्रधान पारी देवी रावत एक बार मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो कृपया मंच की अग्रिम पंक्ति में पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन। रणवीर सिंह जी ढाका एक बार आए, और मैं समझता हूं कि मैडम मुश्किल से 5 मिनट में मंच पे पहुंचने वाली है। अपनी बात को मैं समझता हूं कि आपको ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर संक्षिप्त में अपनी बात को कंक्लूड करें। आदरणीय जी, रोहतक जिले, हरियाणा के रोहतक जिले से आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त रूप से हाईकोर्ट है उसकी बार काउंसिल के आप उपाध्यक्ष भी हैं। रणवीर जी ढाका अपनी बात को रखेंगे, आए आप। बहुत ही आदरणीय अजमेर जिला के ग्रामीण प्रभारी, हरियाणा में टूरिज्म के चेयरमैन और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अरविंद यादव जी, सुखविंदर जी पूर्व मंत्री जम्मू एंड कश्मीर, विधायक जी नीलम जी, सुभाष राठी जी, राठा जी, पार्टी के सभी विधानसभा के पदाधिकारीगण, जिले के सभी पदाधिकारीगण, पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज ये जनसभा बहुत पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय तक चल रही है, और आपका धैर्य वास्तव में देखने लायक है, और यहाँ का जो डिसिप्लिन, इतनी जबरदस्त जनसभा जमी हुई है, और एक भी लोग अव्यवस्था फैला दी रहा, एक भी लोग, आज चिड़िया भी आशीर्वाद दे रही है, चहचहा रही है, इससे ये लगता है कि कांग्रेस गई और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना गई। ये आशीर्वाद ऐसी लगातार पिछले 1 घंटे से चिड़ियाओं की चहचहाट में भी आप भाषण सुन रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे, बहुत मुद्दे रखे गए, बहुत बातें रखी गई, आप सब पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं,
जानते हैं मोदी जी के काम को पूरी दुनिया में जिस ढंग से सराहा है उस काम को आप समझते हैं, उस काम को जितना आप समझते हैं शायद उतना ज्यादा तो नेता भी नहीं समझते। मैं आपको बताऊं, मैं आज आपके इस ब्यावर कस्बे में एक दुकान पर चाय पीने के लिए चला गया तो वहां लोग बता रहे दुकानदार, निमला जी सरकार बहुत जरूरी है राजस्थान में, क्योंकि मोदी जी जिस ढंग से देश के समर्थन में कानून बना रहे हैं, धारा 370 हटाई, 15 आई है हटाई, और जिस ढंग से देश का विकास कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उसके लिए उसको राज्यसभा में भी मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में भी मेजोरिटी चाहिए, और राज्यसभा में मेजोरिटी स्टेट की विधानसभाओं से आती है। अगर राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी, विधायक ज्यादा नहीं बनेंगे, तो आने वाले समय में राज्यसभा में मेजोरिटी कम हो जाएगी, इसलिए राजस्थान में सरकार जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि पिछले 5 साल से जिस ढंग से भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस के राज में, और विधायकों ने कितने सैकड़ों की विधायकता में 30-40-50-60 विधायकों ने डेरे डाले हैं, और होटलों में डेरे डाले हैं, दिल्ली गुड़गांवों में जाके डेरे डाले हैं, 15-15 दिन तक डेरे डाले हैं, और उनसे पैसे की सेटिंग होकर वो वापिस आए, तो इतना अंदाजा लगा लो कितने बड़े भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। और उन पल्ली पापोती पिछले 6 महीने से चल रही है फ्री की बंदर बांटती, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो लोगों को सुविधा अब पिछले 6 महीने से मिली उससे 21 उससे दुगनी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। केंद्र की सरकार 6,000 रुपए हर साल किसानों को एक आर्थिक मदद दे रही है, हरियाणा में वो 12,000 रुपए मिल रहे हैं, राजस्थान में कुल 6, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो 6,000 अपने कोटे से दे रही है, 6,000 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोटे से मोदी जी की सरकार के कोटे से दे रही है, तो 12,000 रुपए मिलते हैं। आज बाजरे का भाव राजस्थान में क्या है, हरियाणा में 2,350 बाजरे का भाव, राजस्थान की सरकार कितना दे रही है आप अंदाजा लगा लो, आपने खुद पता है राजस्थान की सरकार कितना दे रही है, आधाई झलक दे दिया लगभग, तो आप अंदाजा लगाओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारों में फर्क क्या है। बस आप इतना समझ लो कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन में लग के इस सरकार को उखाड़ फेंको, और राजस्थान का विकास अगर आपने करना है, देश का सम्मान आपने करना है, मोदी जी को हाथ मजबूत आपने करने, तो इस सरकार को काट फेंको। एक तरफा रावत जी को लगातार जो 3 बार विधायक है उनको 4थी बार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनानी है तो विधायकों की जरूरत पड़ती है, और विधायक इतने सहज भाव से, इतने साधारण, इतने शरीफ आदमी, ऐसे आदमी को जितनी बार पार्टी टिकट दे उतनी बार वोट दो। आज जिस ढंग से बात हो रही है, पिछले काफी समय से भाषण दिए जा रहे हैं, और मैं कहूं वो मोदी सरकार के काम अगर गिनाने लगे तो शाम सुबह कल सुबह तक गिनाते रहो, कल शाम तक भी गिनाते रहो, पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी के काम पूरी दुनिया में एक डंका बजा रहे हैं, देश का सम्मान कर रहे हैं, तो राजस्थान के गांव गांव गली गली सबको पता है कि देश के लिए मोदी जी ने क्या किया। वो उन कामों को रिपीट करने की कोई बात नहीं है, उन बातों को बार बार दोहराने की बात नहीं है। मैं तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आपको पीछा छुटाने के लिए आह्वान करता हूं, इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके, और तभी दम ले कि 25 तारीख को आखिरी वोट जब 6-7-8 बजे तक लाइन में लगे, आखिरी वोट कार्यकर्ता और जनता आखिरी वोट जब तक पोल ना हो जाए, जब तक चैन से ना बैठे, और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके, भारतीय जनता पार्टी और देश को मजबूत करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से, दिल्ली से, जयपुर से, अजमेर से और ब्यावर के बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग पधारे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी ब्यावर की ओर से, ब्यावर जिले की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने पधार कर अपना अमूल्य समय प्रदान किया और हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए शीघ्र ही हमारे मध्य हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पधार रही हैं, और रोड शो लगभग हमारे
सुभाष उद्यान के गेट तक पहुंच चुका है। आगे के संचालन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं भाई ईश्वर जी कंवर पधारे और आगे संचालन करें। एक बार जोरदार से मुख्यमंत्री जी का जलसा ये आ चुका है गेट पर, एक बार जोरदार से दोनों हाथ उठाकर बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी अजमेर जिला देहात के प्रभारी आदरणीय अरविंद जी यादव, आदरणीय अरविंद जी यादव जो हरियाणा टूरिज्म बोर्ड के सम्मानित चेयरमैन साहब हैं और अजमेर जिला देहात के प्रभारी भी हैं, माने मैडम हमारे बीच पधार चुकी है, आप सबका एक बार दोनों हाथ से जोरदार से ताली बजाकर अभिनंदन करें, बोलो भारत माता की। आप अरविंद जी यादव, डॉक्टर अरविंद जी यादव अपनी बात को रखें, सब लोग बैठ जाएं, यहीं पर आएंगे, स्टेज पर ही आएंगे, सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, सब लोग बैठ जाएं, आराम से व्यवस्था बना के रखें। हम सबकी चहेती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हमारे बीच में भी पहुंचने वाली है, सब लोग बैठ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के ब्यावर की इस चुनावी सभा में हमारी पार्टी के सब पदाधिकारी जो मंच पर विराजमान हैं और यहां पर सब उपस्थित भारत माता की संतानों भाई और बहनों, सब लोग सब जोर से नारा लगाएंगे मेरे साथ, जितनी मजबूत मेरी आवाज होगी आप सबकी मिलकर उतनी मजबूत आवाज होगी तो जयपुर तक पहुंच जाएगी, भारत माता की, भारत माता की, वसुंधरा राजे की, नरेंद्र मोदी की, शंकर सिंह रावत की, आप सब भाइयों और बहनों की, भारत। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी राजे सिंधिया हमारे बीच पहुंच गई है, आप सब अपने स्थान से खड़े होकर जोरदार से जयकारा लगाएं, बोलो भारत माता की, मुट्ठी तान कर जोरदार से ये बता दो कि शंकर सिंह हजारों हजार वोटों से जीतने वाले हैं, वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बीच पहुंच गई है, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड। आप वसुंधरा जी हमारे बीच पहुंच गई है, आप मंच की व्यवस्था में थोड़ा सहयोग प्रदान करें, जितने भी हमारे युवा और हरावल दस्ते के कार्यकर्ता हैं, सेनापति हैं, व्यवस्थाओं को अंजाम दें और आप हजारों हजार की संख्या में जो हमारे ये स्थानीय खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता खड़े हैं, देव दुर्लभ जनता माताएं बहने बड़ी संख्या में खड़ी है, इसके उत्साह को देखते ही बनता है कि शंकर सिंह रावत चौथी बार इस ब्यावर की धन्य धरा को गौरवान्वित करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाकर और जो फूलों की माला बननी है राजस्थान में विधानसभा की चौखट पर पहुंच रहे हैं और वो राजस्थान की सरकार में चौथी बार हमारे ब्यावर का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता बंधुओं, नागरिक बंधुओं, आपने जो अपना धैर्य और आपने जो उत्साह बनाए रखा पिछले 3.5 घंटों से आप अपने स्थान पर जमे रहे, आपने जो इतनी बुलंद तरीके से अपने जोश को कायम रखा, निश्चित तौर पर राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है,
हेलो वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, एक बार जोरदार आवाज लगाएंगे, वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। केसरिया में हरा हरा। वसुंधरा राजे जी हमारे बीच पधारी है, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे विजय संकल्प सभा के माध्यम से। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा ने इस मंच को हमेशा भाग्यशाली किया है, हर बार हर चुनाव में आप इस मंच से आपने शंकर सिंह रावत को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने हर चुनाव में यहाँ से सभा को संबोधित किया है और हर बार ब्यावर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को खिलाया है। और न केवल राजस्थान में अभी तो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को भी आपने मजबूत किया है। वसुंधरा जी राजे हमारे प्रदेश की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र उपाध्यक्ष हमारे बीच में पहुंच चुकी है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि मंच की थोड़ी व्यवस्था को ध्यान में रखें, एक बार पीछे हो जाए, एक बार पीछे हो जाए। नागरिक बंधुओं, मैं आप सबकी, वसुंधरा जी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, एक बार दोनों हाथ और मुट्ठी उठाकर बोलो भारत माता की, भारत माता की, और दोनों हाथ उठाकर समर्थन करें भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी। मैडम वसुंधरा जी राजे सिंधिया हमारे बीच पहुंच गई है और मैडम मातृशक्ति की ओर अभिवादन कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री साहिबा, आप देव दुर्लभ जनता का देरी से यहाँ पर टिके रहने का भी आभार प्रकट कर रहे हैं। और आपने जो पिछले 3 घंटे से जो आपने इंतजार किया, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और मैडम हमारे बीच पहुंच गई है। और आज ब्यावर की धन्य धरा पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल गया है। और एक बार जोरदार से आप नारा लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी, और ये नारा मैडम स्थान ग्रहण करें तब तक नारा लगता रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। एक बार कार्यकर्ता बंधु अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं युवा मोर्चा के हमारे सेनापति, ये मंच पे जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है, एक तरफ हो जाए स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। हमारी माननीय मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत के लिए हमारे माननीय शंकर सिंह रावत, जय किशन जी बालदुआ, हमारे माननीय नरेश जी कनौजिया। सर्वप्रथम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा का माला और पुष्पगुच्छ से एक बार देखो, एक बार मेरा सादर अनु, एक बार थोड़ा साइड में आए, व्यवस्था तो बनो, व्यवस्था बनाए। माननीय विधायक महोदय, सभापति महोदय और प्रधान साहब, एक बार मेरी बात सुने मोनू भैया, मंगल सिंह जी थोड़ा मंच को, एक बार ये कार्यकर्ता व्यवस्था तो बनाओ भाई। हंसराज आप पीछे होना भाई सर, एक बार भाई नरेश जी कनौजिया, शंकर सिंह जी रावत, प्रधान साहब गणपत सिंह जी रावत और उप प्रधान पारी देवी, आप एक बार माननीय वसुंधरा जी राजे सिंधिया का 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन करें, बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये व्यवस्था थोड़ी बनाने में कार्यकर्ता बंधु सहयोग प्रदान करें, और जो जो कार्यकर्ता मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो इसको अन्यथा नहीं लें, आपके जोश को देखते ही बनता है, आपके उत्साह को देखते ही बनता है भाई। युवा मोर्चा के भाई वीरेंद्र रावत, अजय गुरुवारी, अजय कंजे, मनीष जी मेहता, गोटा मैडम को गोटा भेंट करेंगे। युवा मोर्चा के हमारे पार्षद दल की ओर से भी मैडम का स्वागत किया जा रहा है, सचेतक भाई, मंगल सिंह मोनू, हंसराज जी शर्मा और ये अपने सारे
युवा मोर्चा के भाई मनीष जी मेहता के मैं बुलाऊंगा अभी आपको रुके। एक बार थोड़ी कार्यकर्ता बंधु सुभाष जी राठी साहब व्यवस्था बनाए। मैं आपके जोश को सलाम करता हूँ, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैडम का यहाँ आना ही विजय की गारंटी है, जीत की गारंटी है। आप लोग ये जो सारे लोग हैं इनसे मेरा सर्वोच्च अनुरोध है कृपया व्यवस्था बनाए, व्यवस्था में सहयोग दे। आप हमारे कार्यकर्ता है कृपया मंच से नीचे उतर जाए। मंच से मेरा पूरा कमजोर अनुरोध है, पार्षद दल की तरफ से माला बनाएंगे। व्यापारी जो व्यापारी जो पधारे हैं व्यापारियों से मेरा अनुरोध पधारे और माला पहनाए, पार्षद गण पधारे। जिन्होंने स्वागत कर लिया है कृपया स्टेज से साइड में हो जाए। चिंगी जिन्होंने अभी स्वागत कर लिया है जिन्होंने अब देखो जिनका स्वागत हो गया है वो एक बार हट जाए, एक बार हट जाए। पुलिस वाले बंधु की आवश्यकता नहीं पड़े हमें। एक बार अजय भाई फुलवारी आप लोगों का हो गया शौर्य है और भाई पार्षद दल मोर्चा का सम्मान हो गया है। भाई मनीष जी मेहता आप लोग आ जाए एक बार पीछे। मैं आपके जोश और उत्साह को सलाम करता हूँ। व्यापारी संजय गिया और उनके नेतृत्व में व्यापारीगण मैडम का स्वागत कर रहे हैं। एक बार थोड़ा हटे तो सही व्यापारी, एक बार नीचे भाई आप उतरने की कोशिश तो करो, आप जगह ही नहीं दे रहे हो। मैं आपके जोश और उत्साह की बात करता हूँ, समझ में आता है। बाकी सारे कार्यकर्ता एक बार नीचे उतर जाएं, जिनका स्वागत और सम्मान हो चुका है नीचे आ जाएं। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया इस विजय संकल्प सभा के माध्यम से हमारे विजय को सुनिश्चित करने हमारे बीच में पहुंची है। मैं काफी सारे एक बार व्यवस्था प्रदान करें भाई, ये व्यापार संघ की अगर स्वागत हो गया तो नीचे आ जाए। व्यापार संघ के भाई राकेश जी भंडारी संजय जी किया आप पधार है। ये इंदु जी शर्मा महिला मोर्चे की ओर से, महिला मोर्चे की ओर से मैडम को चुनरी ओढ़ा रहे हैं इंदु जी शर्मा। एक बार देखो जैन समाज के हमारे सम्मानित सदस्य भाई मनीष जी भंसाली, हरियन जी काकरिया, सुनील जी डांगी, भाई प्रिंस मकाना और ये लोग मैडम को गदा भेंट कर रहे हैं। भाई संजय जी नाहर, हरियन काकरिया, दिलीप भंडारी, प्रिंस मकाना और राकेश जी चपलोत। और आज बड़ी संख्या में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की जीत को हजारों हजार वोटों से सुनिश्चित करने के क्रम में कई गणमान्य लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी पहुंचे हैं। मैं आगे जो लोग खड़े हैं बैठ जाए नीचे। ये बाबूभाई जयसवानी और ये राम सिंह जी नीचे बैठे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, आप नीचे बैठ जाए। नौरोजी सोलंकी आप व्यवस्था प्रदान करें। ठेकेदार साहब भाई योगेश जी सोलंकी, हाँ शशि जी सोलंकी मैडम को पुष्प कुछ भेंट करेंगे। बबीता जी चौहान हमारे बीच पहुंची है, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हमारे बीच में महिला मोर्चे की सम्मानित सदस्य मैडम को चुनरी ओढ़ारी ऐश्वर्या जी रावत बदनौर से हमारी पंचायत समिति की प्रधान है। देखो कार्यकर्ता बंधु थोड़ा संयम रखें आप भाई हमारे। एक बार जिनका स्वागत हो गया वो नीचे उतर जाएं, कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अब मैं पार्षद दल भाई नरेश जी कनौजिया और पार्षद दल की पूरी टीम आ जाए और एक बार मैडम का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा पार्षद दल आ जाए एक बार। पार्षद दल भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद ब्यावर में बोर्ड है भाई नरेश जी कनौजिया के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, और भाई ऋषभ जी कठोर उपसभापति हैं और सारे पार्षद भाई मंगल सिंह जी, मोनू, हंसराज शर्मा और रेखा जी कुमावत, भाई पिंकी जी शर्मा, वीणा जी जवार, ये सारे हमारे अरावल दस्ते के सेनापति हैं और आप लोग इस कार्यक्रम में बड़ी शिद्दत के साथ पिछले चार घंटे से लगे हुए हैं। एक बार सबका स्वागत हो गया, हट जाए आप। देखो तक कार्यकर्ता बैठ जाए। मैं पुनः बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये मंच पे जो व्यवस्था कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रचार आपसे करवा अनुरोध है कृपया व्यवस्था बनाए सहयोग करें। भाई मोती सिंह जी सांकला, ललिता जी सिंगाड़िया, वेदराज जी भाटी और भूपेंद्र अनिल जी, अरे अनिल जी भोजक और ये शंकर जी यादव और मोती सांकला, ये सारे के सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पार्षदगण हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बड़े बखूबी से नगर परिषद में नेतृत्व करते हैं। एक बार पार्षद महानुभावों का स्वागत हो गया तो आ जाएं आप भाई। अंगद राम जी अजमेरा,
तिलोक जी श्रोत्री है, एक बार आप बहुत भाई संपत जी जांगीर, आपकी पूरी टीम कमल जी छत्रावत, ममता जी छत्रावत और भाई संपत जी जांगीर, आप लोगों के द्वारा स्वागत सत्कार हो चुका है। आप बहुत ये अपार जन समूह, ये इतनी भारी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, मैं समझता हूं कि आज आपने ये ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से बड़ी भारी मात्रा में खिलने जा रहा है। एक बार ये हो गया कार्यक्रम, मैं भाई नरेश जी कन्होजिया से, नरेश जी कन्होजिया आ जाए भाई, नरेश जी कन्होजिया अपनी बात रखेंगे, नगर परिषद सभापति भाई नरेश जी कन्होजिया। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, केसरिया में हरा हरा, केसरिया में हरा हरा। अब मैं हमारे सम्मानित मैं हमारे बीच में काफी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के आज सदस्यता भी लेने वाले हैं, मैं डॉक्टर अरविंद जी माने वसुंधरा जी राजे अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से दिन भर से लगे हैं और हमारे बीच में इस विजय संकल्प सभा के माध्यम से आपने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप पधारे। मैं हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय देवी शंकर जी पुतला साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात को रखें। दया जिलाध्यक्ष आदरणीय देवी शंकर जी पुतला साहब। भारत माता की, केसरिया में हरा। आज ब्यावर विधानसभा के हमारे प्रत्याशी सम्मानीय शंकर सिंह जी रावत के समर्थन में मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि 5-7 मिनट में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको आप सुनने के लिए लालायित है, वो उनका उद्बोधन हो रहा है, कृपया बैठ जाए अपने यथा स्थान पर, 5 मिनट बैठ जाए, मेरा विशेष आग्रह, क्योंकि आप सब जिनको सुनने के लिए लालायित है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता और जन जन के दुलारी राजस्थान के, जिन्होंने राजस्थान के अंदर विकास के एक नए आयाम स्थापित किए, ऐसे व्यक्तित्व की धनी हमारी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय शंकर सिंह जी रावत, जिले के प्रभारी हमारे अरविंद जी यादव और यह मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों और युवा साथियों, क्योंकि आज सब हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए लालायित है, मैं केवल आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि इस 5 साल के अंदर जिस कुशासन को आपने झेला है, जिस खोखले घोषणा पत्र को आपने झेला है और अब जब उनकी हाथ कंगाल पर है, तो जिस तरीके से उन्होंने रेवड़िया बांटनी शुरू करी है, उन सारे विषयों को ध्यान में केंद्रित करते हुए, इस भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के भविष्य को अंधकार में किया है, किसानों को आत्महत्या करने के मजबूर किया है, इन सब कार्यों को याद रखते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के जो शासन के अंदर जो विकास की गंगा बही थी, जो विकास के काम हुए थे, उन्हीं योजनाओं के नाम बदल कर अशोक जी गहलोत जो दुकान चला रहे हैं, उस दुकान को बंद करने का समय आ गया है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बनाने का समय, यही मेरा आपसे आग्रह है कि कमल के वोट लेकर और वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय श्री दिलाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देहात जिलाध्यक्ष जी, आपने अपनी संक्षिप्त उद्बोधन में गागर में सागर भरने का काम किया है। मैं अब अगली कड़ी में हमारे 3 बार के लोकप्रिय विधायक और 4थी बार के शत प्रतिशत चुने जाने वाले प्रत्याशी और सहज और सरल स्वभाव के धनी
पतले दुबले कद कांटे के मजबूत व्यक्तित्व के धनी भाई शंकर सिंह जी रावत को यहाँ बुला रहा हूँ। ये अपनी बात रखें और इस देव दुर्लभ जनता के सामने इनके चरणों में वोट के लिए निवेदन करें। आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहब। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे। मैं बोलूंगा राजस्थान केसरिया में हरा हरा, आप बोलेंगे राजस्थान में केसरिया में हरा हरा, केसरिया में हरा हरा। आज हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री महोदया और हम सब के अग्रज नेता माननीय वसुंधरा राजे जी मंच पर विराजमान, हमारे जिला प्रभारी अरविंद जी यादव साहब, आदरणीय कश्मीर से पधारे हुए एमएलए साहब नीलम जी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भाई देवी शंकर जी भूतला साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय सारस्वत साहब, हमारे ब्यावर नगर परिषद के सभापति महोदय भाई नरेश जी कनौजिया, पंचायत समिति जावाजा के प्रधान साहब आदरणीय गणपत सिंह जी साहब, और मंच पर विराजमान हमारे इस संचालन को संभालने वाले आदरणीय शेख सिंह जी बल्दुआ साहब, भाई नरेश जी कनौजिया साहब, मंगल सिंह जी मोनू साहब और वाइस चेयरमैन साहब, जितने भी लोग जो इस चुनाव में लगे हुए हैं वो सब मंच पर विराजमान है सम्मानित मंच, और पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप सबके चरणों में शंकर सिंह का कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सबको बहुत गर्व है मैम, ये लोग राजस्थान की जनता आपको देख करके सारा अपने 5 साल के दुख को बुला रही है। राजस्थान में इस कांग्रेस के कुशासन से ये जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है मैम, क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या? अगर सही कह रहा हूँ तो आप दोनों हाथ खड़ा करके अपना समर्थन दें। मैम ये कांग्रेस से पूरे स्तर सोच के मैम, इनको देखे आपने, राजस्थान की जनता सिर्फ आपकी तरफ टुकड़ टुकड़ नजर लगाए हुए बैठी है, और भारतीय जनता पार्टी का कब शासन आए और इनको कहीं राज मिले। हमारे देश के अंदर आपने कमल के फूल के ऊपर बटन दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हमारा राम मंदिर बना, कश्मीर की जो सारी समस्या हल हुई, इसी प्रकार राजस्थान को कुशासन को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी अति आवश्यक है। इसलिए आप सबके चरणों में मेरा निवेदन है, 25 तारीख के दिन प्रत्येक पोलिंग बूथ के ऊपर अपना पोलिंग बूथ नहीं छोड़े, और उसकी लिस्ट सब जगह आ जाएगी, जिस पोलिंग बूथ पर कमजोरी रहेगी उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। आप सबसे प्रार्थना है अपना बूथ मजबूत करें, और सबसे ज्यादा 25 तारीख के दिन कमल खिलाएं और इस देश को बचाएं। आज हम सब, मैं आपके बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया, मैडम हमारा निवेदन है, मैडम हमारा निवेदन भी सुनो, जनता सुन रही है, हमारा निवेदन है मैम, आपने राजस्थान में, भाई सुनो एक मिनट, भारत माता की, मैम आपने राजस्थान में जब शासन में थे ब्यावर को बहुत कुछ दिया है, ब्यावर की जनता आपके लिए परख पापड़े बिछाई हुई है, और भारत माता की, वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे
अब हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय ने अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा। मैं हमारे बीच में हमारे प्रदेश की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच आए, मैं जोरदार से नारा लगाऊंगा, आप समर्थन करना, सब अपने स्थान से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ से ताली बजाकर बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, केसरिया में हरा हरा और केसरिया में हरा हरा। एक बार अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब इस विजय संकल्प सभा के माध्यम से प्रदेश की माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की हमारा मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय वसुंधरा जी राजे सिंधिया। अब मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, बस हो गया, अब बैठ जाओ सर, सब बैठ जाओ प्लीज, भाई ये मत करो, बैठ जाओ प्लीज। अब हो गया, अब आप लोग प्लीज सब इस तरफ आ जाओ, सब आपके जो कैमरा वाले हैं ना इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, सर को ना फिर आप लोग प्लीज मीडिया के सब दोस्त लोग इस तरफ हो जाओ ताकि आराम से हो जाए। यस, अब इसके बाद आप बोलेंगे नहीं, ना इधर बोलेंगे ना इधर बोलेंगे, क्योंकि अपने पास इतना ही टाइम है। शंकर जी आप खड़े हो जाओ जी। सबसे पहले मैं आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बड़ी बहुत ही मजेदार रैली निकाली है शहर के अंदर से, मुझे सब लोगों से मिलने का एक मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी मदद के लिए हरियाणा से पधारे टूरिज्म के चेयरमैन साहब, प्लीज मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप लोग सामने खड़े हो जाते हो प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज प्लीज। क्या मजा आ रहा है, इस तरफ आ जाओ भाई, हमारे मदद के लिए बस अब हरियाणा से आए हुए टूरिज्म के चेयरमैन श्री अरविंद यादव जी, एक मिनट खड़े होकर सबको आप लोग जोर से हाँ ताली बजा के, हमारे लिए बहुत दिन से यहाँ क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे इसमें जो मालूम है कि कितनी मुश्किल हो रही होगी आज देखने के बाद। यादव जी आपको कितनी मुश्किल हो रही है मुझे समझ में आ रही है आज देखने के बाद, क्योंकि इतने जोशीले लोग हैं यहाँ कि इतने आसानी से आपकी बातों में भी आते नहीं होंगे, आपने कोशिश बहुत की होगी। और जम्मू कश्मीर से वो न्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं, ठंडे ठंडे पहाड़ों से हमारे रेगिस्तानी राजस्थान के अंदर यहाँ पूर्व विधायक नीलम जी बहुत दूर से हम लोगों के बीच में आए हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के क्या बोला मैंने, बट याददाश्त तुम्हारी अच्छी है, तुम सब चीजों को, चौधरी साहब जम्मू कश्मीर से आए हुए, प्लीज एक दफा नारा नहीं लगाना, ताली तो बजाना, बजा लो ताली। बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा के उपाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह जी ढाका, ये सब हम लोगों के बीच में हमारी मदद के लिए इस चुनाव के पीरियड में आए हैं, मैं उनका हम सब की ओर से स्वागत करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपके इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर मुझे उन सबका स्वागत करने का मौका मिल रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष श्री देवीशंकर जी बूटरा, हमारे ब्यावर नगर पालिका के चेयरमैन साहब और हमारे जवाजा प्रधान गणपत जी रावत, फिर मैंने क्या कहा था आप लोगों,
निकलना है, ताली बजानी है। और पदना प्रधान श्रीमती ऐश्वर्य रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत जी, कितने गुड बॉयज हैं, ऐसा चलता रहेगा तो कितना मजा आएगा, देखो तो सही कितने अच्छी तरह से ताली बजा रहे हैं। और पूर्व विधायक हमारे साथ आई हुई है, विधायक संजना जी आगरी, और हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष वो अपने खड़े हो जाके उसको नमस्कार कर रहे हैं, और हमारे समस्त पदाधिकारी, और इतनी सारी संख्या में हमारे बैठे हुए सब कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले मैं आप लोग सबको नमन करना चाहूंगा। और शुरुआत में ही इस पवित्र भूमि, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने, आप लोग कैसे मैनेज करते हो उनके साथ बैठे हो, सबसे पहले पृथ्वीराज जी चौहान की पंचजों की भूमि को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, आशापुरा माता जी, नीलकंठ जी, महादेव जी का मंदिर, और रुधालेश्वर जी महादेव और रामदेव जी महाराज के मंदिर के इस पावन भूमि को प्रणाम करके आज के इस कार्यक्रम में मेरे सामने बैठे हुए इतने सारी देवी देवताओं को प्रणाम करके मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि इस ब्यावर के अंदर मैं फिर से आप लोग सबके दर्शन कर सकती हूँ। मेरा कोई भी चुनाव पूरा नहीं होता है जब तक मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ, हर चुनाव के अंदर इस ग्यारह के अंदर से एक दफा निकलने का मुझे मौका मिलता है, और मुझे इस बार भी लगा कि चुनाव खत्म हो जाएगा उसके पहले एक दफा तो जाके देख तो आऊं कि आप लोग सब कैसे हो, क्या चल रहा है, और क्या जैसे हमेशा आप अपना ठप्पा लगा के कमल के निशान के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजते हो, वैसे ही क्या इस बार भी आपकी सबकी निगाहें उसी के ऊपर लगी हुई है। तो मैं सोच विचार करके एक तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देने के लिए साथ में मैं पीले चावल लाई हूं, 5 साल में एक दफा आई हूं, ये इतना बड़ा त्योहार आता है, ये चुनाव का त्योहार, उस चुनाव के त्योहार में इनके पास मैं आप सबके पीले चावल छोड़ के जा रही हूं, बांटो घर घर जाके बांटो, और सबको कह दो कि मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस बहुत बड़े त्योहार के अंदर 11 बजे तक आप लोग जरूर आके अपना वोट देके जाने का काम करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जीतने के अंदर एक और विधायक वहां खड़ा हो सके। आप लोग सब जब खुश दिखते हो जैसे अभी दिख रहे हो, जब आप लोग खुश दिखते हो तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राजस्थान और आप जैसा ऐसा परिवार मुझे मिला, जिसके बीच में जब भी ऐसा लगता है कि ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जैसे ऊपर, क्योंकि राजनीति के अंदर ऊपर उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, ऐसे समय में आप लोगों के बीच में आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको शाम को कोई थकान नहीं होती क्या, दिन भर आप लोग घूमते फिरते हो, मैंने कहा हमको ऐसा इंजेक्शन मिलता है जो बी कैप्सूल भी अगर आप दे दो तो उसको नहीं मिलता है, ऐसे प्यार का इंजेक्शन मिल जाता है कि अगर थके मांदे भी आते हैं तो वो उस इंजेक्शन से तैयार होते हैं और फिर आगे दौड़ भाग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपके इस प्यार की वजह से मैं मानती हूँ कि सब कुछ है, और आपको खुश करना, आपको आगे विकसित करना, आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाना, इसके कारण, इस यही कारण है जिसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में हैं। एक तरफ कांग्रेस है, उसको आपने अच्छी तरह से देख लिया, और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने बार बार यही कहा कि हमारा मकसद सिर्फ आपकी सेवा है, हम लोग लगते हैं आप लोगों की सेवा करने में, आप लोग खुश हो जाते हो तो हमको लगता है कि और दौड़ धूप करके आप लोगों का काम और जल्दी में कर हम सके। अभी अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं दौरों के बीच में आप लोगों के निकली थी तो मुझे याद आया कि पिछले चुनाव के अंदर यहां से भी गई थी मैंने गौरव यात्रा निकाली थी, उस गौरव यात्रा के अंदर मैंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था कि चुनाव आ रहे हैं तो मैं आप लोगों के बीच में आके आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, और मुझे लगा कि आपने जैसे मुंडी हिलाई और आपने बड़ा प्यार किया तो मुझे लगा कि आप भी उस सब काम से बहुत खुश हो। याद दिलाऊं मैं आपको कि हम लोगों ने करीबन 28,000 किसानों को
8,000 करोड़ रुपया ब्यावर क्षेत्र के अंदर 5,000 किसान को कर्जा माफ करने का काम हम लोगों ने किया। मैंने कर्जा ही माफ नहीं किया, मैंने उस कर्जा के साथ साथ माफी के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी पकड़ा। प्लीज अगर आप लोग शांति जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आठ हजार करोड़ का हम लोगों ने कर्जा माफ किया है, साथ में 5,000 किसान और उनका इस क्षेत्र के अंदर उनका कर्जा माफी करके उनको सबको एक सर्टिफिकेट उनके हाथ में देने का काम किया। सर्टिफिकेट का मतलब इतना ही था कि आप लोग जाओगे और कभी भी आप अगर बैंक में जाओगे तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा और आपका कर्जा माफ हो गया होगा तो फिर आगे भी आपको काम करने की जरूरत होगी, उसके लिए भी आपको पैसा देने का काम है। इलेक्शन के दो दिन पहले, इलेक्शन खत्म होने जा रहा था, दो दिन पहले आपके बीच में कांग्रेस के लोग आए और आप लोगों को उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती गिनाई और आपको ये वादा कर दिया, कांग्रेस ही वादा, आपको ये वादा कर दिया कि आप चिंता बिल्कुल ही मत करो, हम तो आपके सब कर्जे पूरे के पूरे जितने भी कर्जे हैं उन सबको माफ करने का हम काम करेंगे। आप सीधे साधे अच्छे लोग, सब लोग उनकी बातों में आ गए, आप लोगों ने उनको फिर से जिताने का काम किया। आप लोग 10 दिन के लिए रुके, 6 महीने बाद मैं आपके बीच में आई, मैंने 6 महीने बाद के अंदर लोगों से पूछा कि भैया आप बताओ कि ये काम आपने क्यों किया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी सरकार ने वादा किया तो उस वादा को उन्होंने पूरा कर दिया, आपने जो कहा था वो कर दिया। तो हमको लगा कि इनकी सरकार अगर आती है, अगर हम इनको सरकार में बिठाते हैं तो ये भी इतना बड़ा वादा जो वो कर रहे हैं सरकार के नाते वो भी पूरा करके छोड़ देंगे। तो मैंने कहा आपको 10 दिन हो गए ना, मैंने कहा 10 दिन तो हो गए, तो मैंने कहा आपके बैंक अकाउंट्स में तो जो भी सब कर्जे माफ हो गए होंगे, है कोई जिनके कर्जे माफ हुए उस समय? हुआ क्या? किसी कर्जे तो माफ नहीं हुए। मेरे को विश्वास था क्योंकि कांग्रेस का वादा कभी जमीन पे नहीं उतरता और उन्होंने कई वादे किए पिछले बार जो कहे थे। सबसे पहले पहला वादा था कि हम आपके कर्जे माफ करेंगे, दूसरा वादा था कि हम बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे और फिर हम बेरोजगारी का उनको भत्ता देंगे। बेरोजगारों को तो क्या, उन्होंने उनके परीक्षा के अंदर पेपर लीक 19 बार आपको करके दिखा दिया और मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में कौन से बेरोजगार को नौकरी मिली इस राजस्थान में आज भी मुझे कोई बता नहीं सकता। मैं आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि ये क्षेत्र आपका ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर बार बार कांग्रेस के लोग निकल के गए हैं, इतना बड़ा काम भी हुआ उसके बाद भी आप समझ गए कि ये तो चुनाव की वजह से काम हो रहा है। जो भी कहते हैं वो चुनाव के पहले कहते हैं, इनको अगर अपने खजाने को खोलने की जरूरत थी तो वो खजाना पहले भी खोल सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं खोला। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम चुनाव के बिल्कुल पहले आपको ये बात कह देंगे तो आप ही बातों में आ जाओगे और उनको वोट देके चले जाओगे। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि फिर से आपके बीच में आएंगे तो माताएं बहनों को जिनको हम लोगों ने भामाशाह की योजना के साथ काट दिया, माताएं बहने को और आप सब लोगों को जिनको हमने भामाशाह का कार्ड दिया जिससे आपको फ्री इलाज हुआ, आज उसको चिरंजीवी योजना कहते हैं। इस चिरंजीवी योजना के अंदर ना तो सरकारी अस्पताल वो काम कर रहे हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हमारे समय के अंदर साथ में काम करा करते थे वो भी काम नहीं कर रहे हैं और अब तो काम कर ही नहीं रहे क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो हम इसमें अगर कुछ करेंगे तो हमारे पैसे हमारे पास वापस नहीं लौटेंगे। 30,000 से लेकर 3,00,000 तक हम लोगों ने आप लोगों को योजना बना के आपके व्यवस्था बनाने का काम किया। इन्होंने आके ये कहा कि अरे 30,000 से क्या होगा, 3,00,000 से क्या होगा, हम आपके 5,00,000 करते हैं, उसके बाद 10,00,000 किए, उसके बाद 25,00,000 किए और चुनाव के पहले पहले 50,00,000 करके छोड़ दिए। ये उनको लगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा
परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है इनकी सरकार के टाइम में जिसको 13, 14, 15 या 16,000 से ज्यादा किसी एक व्यक्ति पे खर्चा हुआ हो। पर हाँ, 50 लाख तो बहुत अच्छा लगता है, सबको लगता है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा खर्चा हो रहा है। कोई खर्चा नहीं होना नहीं है, बिजली तो मिल रही होगी मुझे समझ, अच्छा लग रहा है आज तो बहुत चमक रही है, तो आप यहाँ तो बिजली तो मिल ही रही होगी। मैं गांव वालों से पूछ पूछ के आ रही हूँ, इतना मुझे मालूम है कि बिजली विभाग के अंदर तो 95,000 करोड़ का कर्जा अब हो गया है, जिस कर्जे को हम 10 और 15 हजार तक लेके आ गए थे, आज फिर से वो 95,000 तक पहुंच गया है। अगर 10 साल अपन रह जाते, एक साल अपने को और मिल जाता, तो मैं समझती हूँ कि आपका जो कर्जा था वो खत्म हो जाता और आपके बिजली के बिल पे एक यूनिट के हिसाब से 2 रुपए 1.5 रुपए ऐसे होते, मैंने इतना कम दाम आपको अपने बिजली पे देना पड़ता। परंतु अब फिर से कर्जा होने की वजह से आपको मुसीबत होगी, आपको बिजली सही तरीके से मिलेगी नहीं, किसान जो खेत में होता है उसको बिजली सही तरीके से मिलती नहीं है, महिलाओं को जो आप लोगों को मिलना चाहिए 22 घंटे बिजली, वो बिजली आप लोगों को घर में मिलती नहीं है। और मुझे तो विश्वास है कि अगर कांग्रेस रहती है तो बिजली की स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने यहाँ आके बड़ा पता करना था कि आप लोगों के यहाँ आपने बहुत काम किया, 5 करोड़ रुपए की लागत से 12 खेड़ा केवर टाटकर के 33 केवी के 3 GSS बने कि नहीं बने, ये तो मैंने 3 पहले दिए। 30 करोड़ की लागत से ब्यावर शहरी जल योजना का पुनर्गठन हुआ कि नहीं हुआ, आपको बोलो मेरे को, हुआ कि नहीं हुआ। 10 करोड़ की लागत से देवाता सिंचाई फीडर का निर्माण हुआ। भाई आप बहुत कंजूसी कर रहे हो सर, बोलो काम होगा, या तो खाना नहीं खाया है या खाना खा लिया है और आपको लग रहा है कि भैया अभी तो मेरे को अंदर से आपकी बात को सुनना है। 17 करोड़ की लागत से ब्यावर हॉस्पिटल की सुविधा का अपग्रेडेशन हुआ कि नहीं हुआ, और 130 करोड़ से NH8 किशनगढ़ ब्यावर अजमेर 6 लेन हुआ कि नहीं हुआ, वो तो हुआ भैया, आपको आप अच्छी तरह से हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ क्या हुआ। 6 करोड़ की लागत से सतुलिया चौड़ाईकरण का कार्य हुआ, और 27 करोड़ की लागत से 12 सड़कों की सुदृढ़ीकरण हुआ, 2 करोड़ की लागत से 16 किसान सेवा केंद्र हुए, और सभी ग्राम पंचायतों के ऊपर आपके ग्रामीण गौरव पथ बने कि नहीं बने। और ये माता बहने आप लोगों की वजह से था, क्योंकि सड़क के ऊपर इतने कीचड़ वगैरह हुआ करता था, मैंने ये सोचा कि अगर वहां हम लोग एक अच्छी सड़क बना देते हैं तो महिलाओं को अपने पैर गंदे करने की जरूरत नहीं होगी, इसे सोच करके आपको ये ग्रामीण गौरव पथ बनाने का काम किया। और उसी जगह पे बच्चों का सोचते हुए हम लोगों ने हरेक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर 0 से लेकर 12 तक का स्कूल बनाने का काम किया, और इसलिए किया क्योंकि शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर थी राजस्थान में, 26वें पायदान पे थी, हम लोगों ने कोशिश की और 5 साल के अंदर 2वें पायदान पे शिक्षा को ला के रखा। आज वो स्कूल्स जो बने थे हमारे, उन स्कूल्स के अंदर फुल टीचर्स थे, आप जो हॉस्पिटल बना था उसके अंदर पूरे डॉक्टर्स थे। अपन मैंने इन लोगों को सबको कह दिया था कि जो वादा करा उस वादा के ऊपर अपने को खरा उतरने की पूरी कोशिश करने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ काम अभी भी करने की जरूरत है। सबसे पहले पेपर लीक नहीं होगा ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने टाइम में जरूर बनाने का काम करेगी। इसकी इंक्वायरी होगी कि कैसे लीकेज हुआ, कैसे मैंने किस तरीके से लीक पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम लोगों को एक दफा उसको बंद करने की कोशिश होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ध्यान बताना चाहूंगी, गहलोत सरकार तो बोलती है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी है, मुझे तो नहीं मिला कोई, करीबन 1,37,000 लोग ऐसे थे जो ये कह सकते हैं कि उनको नौकरी मिली है। परंतु भाइयों मैं ये कहना चाहती हूँ, उसमें से 1,20,000 ऐसे थे जिनकी नौकरी की तैयारी वगैरह सब हम लोगों ने करके रखी थी। जब सरकार हमारी गई और उनकी सरकार आई तो सब बना बनाया खेल उन लोगों ने आप लोगों के सामने रखा और कहा कि ये काम हम लोगों ने किया है। मुझे आपको ये बताना है कि हमारी सरकार के टाइम में 15 लाख लोगों को, और ये सब गिनती का हम लोगों ने किया है, 15 लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी काम मैंने हमने देने का काम किया। और मैं
वादा करते हैं हम लोग तो हम लोग उसको पूरा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है कि हम लोग आपको किसी तरीके से ठगा महसूस होने दें, इसलिए हमने नहीं किया। इन्होंने इसको वादा कहा, आजकल वो गारंटी कहते हैं, आज उन्होंने सात गारंटी हर पेपर के फ्रंट पेज पे आप लोगों को मिलेगा, रोज सुबह एक सात गारंटी का पेज। मैं कहती हूं कि जब इन लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटी तो पूरा करने वाले है नहीं, और इसीलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके इतना निवेदन है कि मेहरबानी करके ये मौका मिल रहा है आपको, एक व्यक्ति आपके सामने एक ऐसा खड़ा है जो दौड़ेगा भागेगा काम करेगा, हम लोगों को परेशान करेगा, परेशान बहुत करता है ये, मैं आप कह सकती हूँ, ये हम लोगों को परेशान करेगा और परेशान करके अपने काम और आपके काम को ला के जमीन पे करा के देने का काम करेगा। ये पार्टी वो पार्टी है जो आपकी सेवा में खड़ी है, ये पार्टी वो पार्टी है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मोदी जी की वजह से बन चुकी है, ये पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और ये पार्टी वो पार्टी है जो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगी। ये अकेला नहीं है, ये विधायक बनता है तो अकेला नहीं है, इसके पीछे आपको पूरी लाइन अप देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाहर के हमारे विधायक लोग हैं, हमारे मंत्री लोग हैं, हम लोग हैं। अब आप समझिए एक विधायक आपको मिलता है और उसके साथ इतने लोग, पूरे पार्टी आप इसके साथ खड़ी हुई आपको मिलेगी। मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, ये है तो हम भी हैं, हमसे भी आपको काम जो भी कराने की जरूरत है वो आप कराने में, कभी कभी भी आप लोगों को पीछे हटने की जरूरत नहीं है, और ब्यावर वालों ने तो हमेशा कराई है ये है, और इसलिए मैं आज भी विश्वास करके यहाँ जाना चाहती हूँ कि चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल्स हो, इन सब चीजों के अंदर हम लोगों को मेहनत करके फिर से नए राजस्थान बनाने की कोशिश में कहीं कमजोरी नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमारे सब कार्यकर्ता बंधु बैठे हुए हैं, मैं उनसे खाली इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि आज के दिन अपने पास पास सात दिन बाकी बच रहे हैं, इस सात दिन के अंदर घर घर फैल जाओ, ये पीले चावल लेके चले जाओ, उन लोग सबको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करके सब लोगों को प्यार से उस दिन लाने की कोशिश करो, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और आपके काम जो रह गए थे पांच साल से रह गए थे वो काम फिर से जमीन के ऊपर आएंगे और फिर से पूरा आपका काम होगा। यही विश्वास के साथ मैं फिर से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, और इतना याद दिलाना चाहूंगी, इतना ही आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि वादा करते हैं छोड़ते नहीं है, वादा किया था कि राम मंदिर बनेगा, मोदी जी ने वो वादा पूरा किया, आज एक भव्य राम मंदिर आपके अयोध्या में खड़ा हो गया है, और जनवरी के महीने में जो भी वहां जाएगा वो आराम से दर्शन कर पाएगा, और ये एक सबसे बड़ी चीज है जिससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब कुछ कहती है तो करने में पीछे नहीं हटती है। एक दफा और मेरे साथ जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अब मेरे पास एक माला है भैया, रुक जाओ, मेरे पास माला, मैं पूरी किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो आज मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं ले रही हूँ, ये जिम्मेदारी आपको लेनी है, और इसलिए मेरे हाथ में, रुक जाओ, मेरे हाथ में माला है, आप अगर हाँ करते हो तो मैं माला डालू, तो नहीं मुझे सुननी है, आवाज से मार सुननी है, शांत हो जाओ, आप लोग बताओ ईमानदारी के साथ मैं देव माला, हाँ माला, अब आप इसको संभालो, जुटा के लाओ, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सब काम अपने ब्यावर के जरूर होंगे। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वसुंधरा जी राजे सिंधिया, आपने बहुत स्थान गर्भित उद्बोधन देके इस विजय संकल्प यात्रा में ब्यावर का मान बढ़ाया है, ब्यावर को, ब्यावर के विधायक के प्रत्याशी को आपकी उपस्थिति में मैडम, आज मैडम आपकी उपस्थिति ने भाई शंकर सिंह रावत को विजय बनाने में योगदान दिया है। मैं जे लोअर गढ़ोते लोअर समाज के लोग आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं,
मैडम को सापा मानव तलवार पहन करके भाई कल्लू भाई लोहार, प्रभु लोहार, शांति लोहार, मदन लोहार, हेमंत लोहार, भाई अर्जुन लोहार, राकेश, राधे, मुकेश, पंकज व अन्य जो हैं मंच के दाहिनी ओर आ जाएं। मैं भाई बद्री जी सामरिया माली समाज भाई जो महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष, आप अपना स्मृति चिन्ह मैडम को भेंट कर रहे हैं, आप पधारे हैं और बड़ी संख्या में ब्यावर के देर दुर्लभ कार्यकर्ता पदाधिकारी और ये जनता जिन्होंने यहाँ पधार कर भाई शंकर सिंह रावत को अपना समर्थन दिया, अपना बहुमत दिया और आने वाली 25 तारीख को मशीन के ऊपर 2 नंबर का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई शंकर सिंह रावत को अवश्य विजयी बनाए और लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का ये प्रत्याशी जयपुर जाकर विधानसभा की चौखट पर आप और लाहौर की जनता का मान बढ़ाएगा। मैं निश्चित तौर पर आप सब लोगों के बूते पर ये कह सकता हूँ।